मंदसौर जिले के सामगढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी पर धर्मराजेश्वर यानी धमनार गुफाएं चट्टान को खिरोद कर बनाई गई। इस विशेष जगह पर 51 गुफाएं स्तूप चैत्य मार्ग व सघन आवास है और इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। इस स्थल में बैठे हुए और निर्माण मुद्रा में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा शामिल है। उत्तरी किनारे पर 14 गुफाएं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिनमें बारी कचहरी यानी कि बड़ा प्रांगण और भीमा बाजार उत्कृष्ट है। बारी कचहरी गुफा 20 फीट वर्गाकार है और इसमें एक स्तूप चैत्य शामिल है। बरामदे में लकड़ी की वास्तुकला के साथ एक पत्थर की रेलिंग शामिल है। वैसे तो इस स्थान को महाभारत काल से भी जोड़ा गया है। पांडवों के द्वारा बनाया गया 6 माह की एक रात में चट्टान को खिरोद कर बनाया गया था। यह स्थान कई विशेषताओं से भरपूर, इस स्थान को देखने दूर दराज से लोग आते हैं। कैसा लगा है, कैसा स्थान यहाँ पर देखने को मिला है? हम अहमदाबाद से यहाँ पे घूमने के लिए आए। तो ये तो वो अपने अजंता एलोरा की केव्स है, उसके जैसा ही ये शिव मंदिर है। तो अच्छा लगा, अभी बहुत गुफाएं भी देखी, ये भी काफ़ी प्राचीन है, अच्छी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है विराग, विराग शाह, अहमदाबाद से। ओके, क्या मानते हैं? इसमें बहुत अच्छा हुआ लिया गया, तो इसमें क्या है कि विदेशी पर्यटक आएंगे और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ है। भारत के अलावा विश्व में प्रसिद्ध होने जा रहा है धर्मराजेश्वर का यह मंदिर, इसे लेकर क्षेत्र में किस प्रकार खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अच्छा, धर्मराजेश्वर मंदिर की विशेषता क्या, पुरानी विशेषता बताए जरा। पुरानी विशेषता यह है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण भीम ने किया था और यह मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। पहले शिखर का निर्माण हुआ, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ हरिहर का मिलन है। ठीक, यहाँ पर कितने मंदिर है आसपास में कुल? आसपास में सबसे पहला मंदिर तो यही है भोलेनाथ का, और अगले बगले 9 ग्रह देवताओं का मंदिर है, छोटी छोटी मंदिरियाँ हैं। जी जी, इसके अलावा यहाँ पास में जो गुफाएं हैं, गुफाओं के बारे में बताए जरा। और गुफा में बहुत अच्छा है, भीम सोया हुआ है और वो बौद्ध गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। धमनार भी कहते हैं उसे, धमनार भी कहते हैं, धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम आपका? सुरेश योगी, धर्मराजेश्वर। ये बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में बहुत चेंज हो गया है, रास्ते अच्छे बन गए, सो डू नॉट वरी, यू कैन कम एनी टाइम। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई डरने वाली बात है, हम लोग निकले हैं तो हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं पड़ी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें सही जगह सब रास्ते बताए हैं और गूगल पे भी हमें सही रास्ता मिला है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बौद्ध गुफा है, वो मेरे लिए थोड़ा चेंज वाली बात है कि कैसे यहाँ पे बौद्ध गुफा है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में बहुत गुफाएं देखी है, जैसे पांडवलेनी केव्स है, पर यहाँ पे बौद्ध गुफाएं वो अच्छी बात है क्योंकि बौद्ध की सर्किट वहाँ पे है। तो ये अब यहाँ, और यहाँ पे बौद्ध गुफा में वो रेलिक्स ज़्यादा है, मैंने स्तूप ज़्यादा देखे, तो वो भी एक अच्छी बात है। वो एक महादेव का मंदिर जी है, उसकी नींव नीचे नहीं रखी गई है, वो ऊपर से बना है, यानी इसको आप इलोरा की गुफा, अजंता इलोरा की गुफा का छोटा कैलाश के जैसी रेप्लिका बोल सकते हैं, तो वो मुझे एक अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश में एक और भी मैंने देखा था, वो मोरेना और मितावली पदावली, वो वाली सर्किट भी मुझे अच्छी लगी, वो सेम यही ऐसा है। तो एक बार तो यहाँ आना ज़रूरी चाहिए, ऐसे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, पर अगर थोड़ा टूरिज्म पे बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे और फैसिलिटी दी जाए, तो मेरे हिसाब से ये सही में एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा। कहाँ से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए? अहमदाबाद से आए हैं हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम कृपाली विराग शाह है। ओके।